2 महीने के बाद 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, मतलब प्रॉपरली म्यूजिक सीखते हुए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जितने लोगों को भी गिटार और सिंगिंग सीखना है जल्दी? पेशेंस और कर दो मेरी बेड़ा पार, तुम खिला दो खाना अच्छा अच्छा टमाटर से जुड़ा। साक्षात भगवान की वाणी, यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ दैवी संवाद है। ये संवाद आज से 5,000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। भगवत गीता में जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम कैसे इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र में हुए महायुद्ध जिसके दौरान भगवत गीता कहते हैं, युवा हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ, मैं ऋषि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में कृष्णा हूँ, अराजकता का दमन करने वाले समस्त। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप मतलब पैसों से या फिर खुद चाह के या किसी के थ्रू किसी के मदद से नहीं हासिल कर सकते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ है ये श्रीमद् भागवत गीता। ये हमें हमारे पिताजी ने दिया था तकरीबन 2-3 साल पहले, लेकिन मैं इसको आज तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसको कंप्लीट करता है। इसमें 18 अध्याय है और उसको हमने सुना आज, जो आपने अभी ये क्लिप देखा। तो यस, जब ईश्वर चाहेंगे कि आप सच में भगवद गीता पढ़ लें तभी आप पढ़ पाएंगे। तो हमारा जन्म हुआ 1993 21 नवंबर, और अब मैं लगभग 26 साल का होने वाला हूँ 2 महीने के बाद। तो हमें लगभग 26 साल लग गए हैं इस श्रीमद् भागवत गीता को, एटलीस्ट इसके 18 अध्याय को पार्शियली सुनने में। जी हाँ, पार्शियली सुनना मतलब कुछ कुछ सुनना, पूरी तरीके से सुनना मतलब अलग ही चीज़ हो जाएगा वो। फिर मैं इसको बार 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 सुनते रहूँगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो हैं वो एक बार में समझ नहीं आती है, उसको काफ़ी बार करना पड़ता है, काफ़ी बार उसको रिपीट करना पड़ता है। So anyways, welcome back to my YouTube channel guys. I hope you are doing absolutely wonderful in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. आज का तारीख है 9 सितंबर 2019, सोमवार, 6:27 PM हो रहा है, the temperature is 27 degree Celsius it says. So yes, आज मैं सुबह 12 से पहले ही लगभग उठ गया, क्योंकि जो है बिंदिया जी का क्लास होना था। उन्होंने 11:30 बजे बोला था, वो दुबई का टाइमिंग था, लेकिन मैं उसको यहाँ का टाइमिंग समझ लिया। मतलब वहाँ जब उन्होंने 11:30 बजे का समय दिया था, जी हाँ, अपने उस तरफ का, लेकिन मैं यहाँ का समझ लिया। मतलब यहाँ पर 1 जब बजा तब वहाँ पर 11:30 बजा। थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ के, एनी वेज इट वॉज गुड ओनली, सो आई गॉट रेडी। एंड उसके बाद फिर बिंदिया जी का क्लास कंप्लीट हुआ, एंड उसके बाद से जो है ये लगभग 3 घंटे का मैंने ये देखा। और अभी जो है जगजीत सिंह जी का एक भजन चल रहा है, तो बस, और अभी आयुष भी आ रहे हैं, तो बस मैं उनका क्लास करने के लिए जा रहा हूँ। और हमें जो है अभी मैं जस्ट आई टुक बाथ जस्ट नाउ, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट बी सीइंग इट। So chala jaye, let's go, and I am getting one call also. Hello. So luckily it's not raining now. और पिछले बार आई गेस पिछले बार या पिछले के पिछले बार मुंबई में बारिश जो है लगभग नवंबर या दिसंबर तक हुई थी। आई होप ऐसा ना हो, बिकॉज आई एम यू नो फिर से कॉल है, आई एम ईगरली वेटिंग कि बारिश जाए और मैं बाइक चलाऊँ।
मोटो व्लॉग्स, कुछ कुछ लोकल जगह भी जाओ, अलीबाग ये वो फल्ला ढेकना। सो विल सी यू इन अ वाइल। सो गॉट डन विद आयुष का क्लास। आयुष आप क्या बोलना चाहेंगे कि जितने लोगों को भी गिटार या म्यूजिक सीखना है उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? प्रैक्टिस तो है, उससे भी पहले पी से ही है, वो पी से है, ई से एंड होता है, टी भी आता है बीच में। यस, सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए और फिर प्रैक्टिस। तो अब आप 2 महीने के बाद 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, मतलब प्रॉपरली म्यूजिक सीखते हुए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे जितने लोगों को भी गिटार और सिंगिंग सीखना है? जल्दी, पेशेंस और नेवर गिव अप। तो कैसा चल रहा है, आर यू हैप्पी विथ योर ग्रोथ? श्योर, आजकल तो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो 5-5 मिनट्स वाला जैसे आज किए थे उसको रोज फॉलो कीजिए, मजा आया ना उसमें करके, और अलार्म सेट करके करो तो आपको पता चलेगा, देखो समय जाने में वक्त नहीं लगेगा। चलो ठीक, बाय बेटा। और इधर जानवी का भी क्लास हो रहा है, तो ये अभी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर एंड देन वील लीव। बाय द वे, रुद्राक्ष इज लुकिंग क्वाइट कूल। द टाइम अपडेट इज शार्प 10 PM with 28 degrees Celsius, it's haze. So just completed the song Bulleya from Adil Hai Mushkil, again suggested by Badi Didi. Hallanki Rishabh ka bhi mujhe suggestion ek aa gaya hai, Tum Chain Ho gana hai from Milenge Milenge. And also I got a suggestion from from Shrestha, usne kaha hai Tu Hai Aasma Mein. Kya hai gaane ka title? तो आशिकी है फ्रॉम झनकार बीट्स। एक्चुअली झनकार बीट्स में जितने भी गाने हैं वो मुझे सारे अच्छे लगते हैं। सो अभी तो जितने दिन जिंदगी है उतने दिन गाना तो मैं गाने का कोशिश करूँगा, ये खुद को बेटर करने का कोशिश करूँगा, ये तो आई हैव अ ह्यूज 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 टास्क। सो आई गॉट डन विद द रिकॉर्डिंग एंड यस, अभी जस्ट ब्लॉग को भी एडिट किया और लाइव किया। 2-3 दिन से आई थिंक 2 दिन हो गया आज मिला के यहीं पर बैठ के ब्लॉग एडिट करता हूँ, विच इज़ क्वाइट कूल, यू नो, वर्क स्टेशन, दिस इज़ माई वर्क स्टेशन। तो जितने भी तरह का काम वगैरह करना है वो इधर ही हो रहा है। सो आई लाइक वर्किंग हियर, इवन एडिटिंग ऑल्सो, इट गिव्स अ गुड वाइब, यू नो। एंड ऑल्सो आज से मैंने एक चीज़ इम्प्लीमेंट किया है कि मैं ब्लॉग में जितने भी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, जो जो जिस चीज़ के भी बारे में यू नो बातें करता हूँ, उस चीज़ का मैंने जो है हैशटैग डाल, हैशटैग नहीं, टैग्स में पुट करना शुरू कर दिया। आई थिंक अब थोड़ा सा जो है हमें सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस मतलब कि मैं तो सीरियस हूँ ही, मतलब इन दिस टैग्स एंड ऑल, टैग्स में डालता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं टैग्स डालता हूँ जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ। जैसे आईफोन एक्स टैग में डालता हूँ, अभी Note 10 Plus आ गया तो वो टैग्स में डाल रहा हूँ, फिर आई यूज़ Ray-Ban तो Ray-Ban डालता हूँ, आई वॉच यूज़ करता हूँ तो ये डाल रहा हूँ, बोस का ये यूज़ करता हूँ, बोस ब्रांड तो ये डाल रहा हूँ, जैक एंड जोन्स ही मैं मोस्टली पहनता हूँ, जैक एंड जोन्स हो या पूमा हो, वो बाय द वे पूमा का टैग डाल सकता हूँ, आई यूज़ Harley-Davidson तो उसका टैग डालता हूँ, एंड फोर्ड गाड़ी का टैग डालता हूँ, रॉयल इनफील्ड का, मतलब जो भी ब्रांड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट आई थिंक अब जो मैं हर दिन जो बात करता हूँ, क्योंकि हर दिन के व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ यू नो एक टॉपिक को लेकर बात करता ही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम बीइंग वेरी सीरियस ऑन दैट। सो ऑन दैट नोट, सो ये रही जानवी, अरे इसका नहीं दिखना है, ओके। सो ये रही जानवी, ठीक है, रही वेरी गुड, बोलते हैं मेरी बात गंदा, अरे हमारा बाल कौन, मैं कौन सा अच्छा दिख रहा हूँ? इट्स नथिंग लाइक गंदा और अच्छा, गंदा और अच्छा सिर्फ हमारे दिमाग में, इस दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, ऐसे बहुत ही अनटाइमिंग, दिस होल वर्ल्ड इज ग्रेट, दिस होल वर्ल्ड इज ग्रेट। सो ये रही जानवी, ये जा रही है अपने घर, तो
जाए अपने घर, ये 10 दिन का जो गणपति वाला चीज़ है उसमें जाह्नवी जो है हर दिन यहाँ पर जो है फूल और माला से अच्छे तरीके से सजाती है, और जाह्नवी में जो है बेसिकली एक घंटी लाया है कुछ दिन पहले लाया घंटी, जो की रही है हमारी सरस्वती माता जी। तो चला जाए, What do you mean by नहीं लेते, और आपको कैसे पता चला? There is nothing like बड़ी और छोटी। हाँ, there is nothing like बड़ा। Anyway, वो उनको जो है जाह्नवी बड़ी माँ बोल रही है, तो हाँ मतलब वो पहले आई हैं तो इट्स ओके, बट देर इज नथिंग लाइक बड़ी और छोटी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि दो मूर्ति नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमने अपने पंडित जी से बात किया था, उन्होंने कहा कि अगर दो अलग जगह में है तो चल सकता है। और सो या हालांकि उन्होंने कहा था इस दिशा को भी बदलना है, इस तरफ से इस तरफ करना है, बट आई हैवेंट। अभी फिर से अभी 2 साल जब कंप्लीट हो जाएगा इस जगह का तो पंडित जी फिर से आएंगे, सरस्वती पूजा फिर से होगा, तो विल टॉक समथिंग। हालांकि उन्होंने बोला था कि उस स्थान को जो है बदल देना है जिस दिशा में मूर्ति रखा हो। तो दीज आर यू नो लिटिल बिट ऑफ वास्तु शास्त्र, जितने लोग इस चीज़ को जानते हैं दे मस्ट बी एबल टू रिलेट विद मी। सो या लेट्स गो, जाएंगे अपने घर, हम जाएंगे अपने घर। सो या देखिए, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं सोचा कि जावेद बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाए ऐसे। Alright guys, so this is the next night, I can't say the next day, so इस vlog के लिए इतना ही रखते हैं। अभी समय हो रहा है 10:18 PM, मंगलवार है 10 September हो रहा है, and the temperature is 29 degrees Celsius। It says now talking about कि कुछ दिन पहले मैंने एक vlog में बोला था कुछ लोगों को, मतलब आप सभी लोगों को, मतलब comment करने के लिए कि उसी के तहत मैं डिसाइड करता कि मैं लुक बदलूंगा या नहीं। तो उसमें मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने कि मतलब हमें सपोर्ट किया है, मतलब हमें कहा है कि जो है लुक बदलिए। इसमें से है चेकमेट, अभी ट्रिम द बियर्ड ये कह रहे हैं, हमारे जीजा जी हैं वो कह रहे हैं क्लीन द बियर्ड, जीजा जी हमारे मतलब उनका नाम है राजीव पांडे। साक्षी सांकृत, ट्रिम 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 ब्रो, ये हमारी बहन है, मौसेरी बहन है यानी ऋषभ की बहन है, हमारी भी बहन है। श्रीजा शांडिलिया हमारी बड़ी दीदी हैं, ये इन्होंने कहा है ट्रिम करवा लो, गेट अ न्यू लुक। श्रेष्ठा शांडिलिया हमारी टुनटुन, इन्होंने कहा है ट्रिम ट्रिम ट्रिम, और जी निकालते हुए मतलब स्माइली। और फिर जाह्नवी ने कहा है ओनली ट्रिम बियर्ड एंड ग्रो योर हेयर्स लॉन्ग एज अर्लियर, मतलब जैसे हमारा पहले बाल था उस तरीके से बड़ा करने के लिए जाह्नवी बोल रही है। एक है वर्षा कौल जी, वो कह रही हैं डोंट चेंज द लुक, ओके। और एक हमारे भाई हैं ट्यूब दादा, उनका यूट्यूब चैनल है जीत उनका नाम है, नो यार लुक इज गुड। सो मैंने कहा था कि 10 लोग अगर करें, 10 लोग अगर कम से कम कमेंट कर देते हैं ये कि चेंज कर लीजिए लुक, तो मैं सच में लुक बदल लेता, लेकिन कोई बात नहीं है, अब देखते हैं हमारा लुक जो है ये कब तक कैसा रहता है। सो यस गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर दिस व्लॉग, तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, जो कुछ भी आपको आपके जिंदगी में चाहिए कि आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, यस या नो, अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप हर रोज सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक आज पहुँचने के लिए सच में डिजर्विंग है, यस या नो, कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस थिंग, बिकॉज दिस विल लेट यू यू नो रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि वेयर यू स्टैंड इन योर लाइफ। तो अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो मेहनत कीजिए और work hard like hell and turn yourself into that deserving person, trust me the day you will be turning a deserving person god will truly give you whatever you will be deserving for, kyunki ishwar hame wahi dete hain jo hum sach mein deserve karte hain, na hi usse zyada na hi usse kam।
तो बस तब तक के लिए खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, मेहनत कीजिए, बुरे लोग बुरे सोच से दूर रहिए, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इन नेक्स्ट एक्सप्रेस एंड लील लाइफ। बाय द वे आज के दिन मैं कहीं भी नहीं गया, घर में ही रहा, मस्त योगा किया, और बाय द वे आज खाना भी एक ही टाइम खाया, मतलब श्रेष्ठा ने काफ़ी कुछ स्नैक्स दे दिया था, तो घर में हूँ, KBC देखा, कपिल शर्मा शो देखा, एंड BK शिवानी जी को सुना एज यूजुअल, और जी हाँ योगा भी किया। सो यस, मिलते हैं, टाटा। हमें कष्ट क्यों होते हैं? क्या पुनर्जन्म होता है?